और गाइस सोनू के घर से ये काजू कटली का डब्बा आ चुका है। अब कैसा दर्द? अब जाओगे काम करने दोबारा? भाई अभी डॉक्टर ने दो इंजेक्शन बुसा रखे हैं एक साथ दो इंजेक्शन। अब जाओगे? हैं? पापा मारी है हंटर, वो तो पापा भाई बहुत सीधे हैं, पापा कुछ कहते नहीं है। और मम्मी के लड्डू रेडी हो चुके हैं, थोड़े सूखने के लिए रखें ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और कैंडी भी हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर देखो रसोई में आ चुका है। हेलो जी गाइज, वेलकम बैक टू रितिन सोनी व्लॉग्स। एंड आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से, और आज मेरा लास्ट दिन है गाइज रामनगर में, क्योंकि कल पहुंचने वाला हूं मैं देहरादून। और इस समय मैं दिवाली के फेस्टिवल के लिए आया था और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया घर वालों के साथ। अभी गाइज ये गाय को देख रहे हैं हम लोग, मम्मी गाय को नहला रही है, साफ कर रही है, क्योंकि ये गाय अब हो चुकी है बुढ़ी, और इसके ना पूंछ में और इसके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो अभी वहाँ पर मेडिसिन वगैरह लगानी है। कल मैं लेके आ चुका था, मम्मी ये साफ़ कर देगी ना, उसके बाद इसमें स्प्रे डालूंगा, हर्बल स्प्रे लेके आ रखूँगा, और कुछ मेडिसिन है जो कि आटे के अंदर रख के खिला देंगे, क्योंकि ऐसे तो ये खा नहीं पाएगी। ये वाला हर्बल स्प्रे है और इसमें है इसकी मेडिसिन, तो रोटी के अंदर डाल के खिला देता हूँ। गाइज ये देखो जानवरों की टैबलेट कितनी बड़ी होती है, ला ली ले, कल भी खिला दी मैंने इसे, ये ले दवाई है इसमें, हाँ ले। रोटी के अंदर जैसे बच्चे को नहीं खिलाते थे चॉकलेट वगैरह का बहाना देके, वैसे इसको रोटी का बहाना देके दवाई खिला दी। गाय का ट्रीटमेंट तो हो चुका है और अब मैं करता हूँ अपनी कल की पैकिंग, जो भी मुझे सामान चाहिए मार्केट से वो भी लेके आना पड़ेगा, और सारे कपड़े धो के फिर रखता हूँ। तो ये कपड़ों की तहाई हो चुकी है और ये वाले कपड़े धोने हैं, तो इनको धो देता हूँ, फिर उसके बाद सारे कपड़े होंगे इस वाले अटेजी में पैक। गाइस कपड़े वगैरह मैंने सब धो दिए हैं और अभी मैं जा रहा हूँ सोनू को लेने के लिए, क्योंकि मैंने उससे बोला था हमारी दिवाली नहीं होती मिठाई लेके आना, और फाइनली आज वो मिठाई लेके आ रही है। अब ये देखता हूँ कि कौन सी लेके आ रही है, वैसे उसे पता है कि मुझे काजू कटली पसंद है। बाकी चलते हैं अंदर, और कैंडी आ चुका है यहाँ पर मुझे देखने के लिए, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना तो वो कहता है कि मुझे भी घुमाने ले जाओ, लेकिन हर वक्त तो उसे मैं ले जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि आदत भी खराब हो जाती है इसकी। इधर ही कहीं होगा, खिड़की बंद है इसलिए दिख भी नहीं रहा होगा। बाय बाय कैंडी, आवाज़ सुन लो, आवाज़ आ रही है, बाय बाय कैंडी। बहुत समझदार है भाई ये, बाकी निकलते हैं। गाइज मेरी अटेजी पैक हो चुकी है और मम्मी यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही है, उसके लिए सारे मसालों को ना ग्राइंड करना पड़ेगा इस मिक्सी में। तो सबसे पहले मखाने डाल दिए घी में, भुने हुए मखाने, टेस्ट करता हूँ। अच्छा हो रहा है इनको तो वैसे भी खाना ना कभी, मखानों को थोड़ा सा, हाँ घी में थोड़ा भून लेना, कच्ची मूंगफली हो गई, ये हो गया, अच्छे होते हैं। आज मम्मी की दोस्त आ गई थी ना, तो दिन भर मम्मी वैसी रह गई, इसलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाया, और मैं भी खाना वाना खा के आराम करा। अब शाम हो चुकी है तो पैकिंग भी करनी है, फिर सामान छूट जाता है, तो सारा सामान मैंने रख दिया है, कपड़े तो पूरे रख दिए हैं, बाकी कुछ मार्केट का सामान है वो लेके आना है, वो लेके फिर कल सुबह निकल जाएंगे गाइस 4:30 बजे वाली बस से परदेश को, मतलब देहरादून को गाइस। और कैंडी भी हमारी बातें सुनने के लिए यहाँ पर देखो रसोई में आ चुका है, और कैंडी भी कभी यहाँ आ जा रहा है कभी रसोई में आ जा रहा है, जहाँ इसका मन कर रहा है, जहाँ लोग बातें करते हैं उनके बीच में जाता है, ये खतरनाक है, समझता भी है कुछ या खाली ऐसे चले जाता है। गाइज इसमें काजू और बादाम सब चीज डल चुका है, और मखाने भी रेडी है, और मखाने अभी तक ग्राइंड करने के लिए रखे थे मिक्सी में तो ग्राइंड हो चुके हैं, और अब इसमें कद्दू के बीच में डाल दिए हैं यानी पम्पकिन के। और मम्मी के कमर में हो रहा है बहुत तेज दर्द, लेकिन कल मैंने जाना है तो मम्मी उसी चीज की तैयारी कर रही है। मम्मी बोल रही है कि मेरे लिए मेडिकल से दवाई ले आ, मम्मी को बोल रहा है एक बार अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, मेडिकल की दवाई खाते रहते हैं रोज रोज, ऐसे इन फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। तो गाइज मैं पैकिंग तो कर ही रहा हूँ और थोड़ी देर में मेरी सारी पैकिंग हो जाएगी, मम्मी आटा चावल वगैरह रख रही है। और गाइज सोनू के घर से ये काजू कटली का डब्बा आ चुका है, मैंने उसको व्लॉग में बहुत ज्यादा बोला था, और व्लॉग में तो एक ही बार बोला बट उससे पहले बहुत बार बोला, और फाइनली उसने इतने बार बोलने के बाद ये भेज ही दिया है, थैंक यू। और मम्मी के लड्डू रेडी हो चुके हैं, थोड़े सूखने के लिए रखें ताकि ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और गाइज अभी ना मम्मी को मैं हॉस्पिटल से लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मम्मी की अभी तबीयत खराब हो गई थी एकदम से, कमर में पेन, दोनों पैरों में पेन, और एमरजेंसी में फिर दिखाना पड़ा मम्मी को अभी, और ये दवाइयाँ लेके आ रहा हूँ। मम्मी ने अभी पिछले 3-4 दिनों में खेतों में इतना काम किया जिसकी वजह से ये दर्द मम्मी को अब सहना पड़ रहा है। बहुत बार बोल दिया मम्मी से कि अब खेतों का काम छोड़ दो, आपकी बस की नहीं है, लेकिन नहीं मान रहे भाई। अभी ये व्लॉग देखेंगे, मामा लोग देखेंगे, घर से बहुत लोग देखेंगे, तो मम्मी जब भी आए तो मम्मी से खेतों में काम बिल्कुल मत कराना, क्योंकि उस दिन तो होता नहीं है, 2-3 दिन बाद फिर खतरनाक सीन हो जाते हैं, हम लोग भी यहाँ रहते नहीं है। फिर अभी लेके गया मम्मी को दिखा के तो ले आया हूँ, लेकिन ये परेशानी ना हमेशा के लिए हो गई है, डॉक्टर ने बोल रखा है कि भारी सामान मत उठाना, झुकना मत, और खेतों में वही काम होते हैं अक्सर। और इस वाले इंसिडेंट के बाद मुझे लगता है कि मम्मी भी अब खेतों में ज्यादा काम नहीं करेगी। मम्मी ने डब्बे में पैक कर दिए लड्डू, और मम्मी ने इतने सारे बिस्किट के पैकेट्स भी रखे हैं ताकि चाय के साथ जब भूख लगेगी खा लूंगा। तो मैं पैकिंग कर रहा हूँ, और कैंडी ना अफसोस में है, कैंडी देख रही है कि यार दद्दा आज पैकिंग कर रहा है, और पूरी सैड है, उसे लग रहा है कि मैं कहीं जाने वाला हूँ। कैंडी क्या हुआ, शकल क्यों छुपा रखी है कैंडी, दद्दा जा रहा है इसलिए ना।
कैंडी को बुरा लग रहा है भाई, इसको ना इंसान जैसे इमोशंस हैं इसके अंदर, अच्छा बुरा सब चीज पहचानती है। और मम्मी अब पता नहीं क्या बनाने लग गई है भाई, सुबह से लग रखी है। ये क्या बना रहे हो अब? पिसा हुआ नमक बना रही मम्मी ताकि मम्मी पिसा हुआ नमक बना रही ताकि फ्रूट्स वगैरह के साथ मैं खा सकूं। अब कैसा दर्द? अब जाओगे काम करने दोबारा? भाई अभी डॉक्टर ने दो इंजेक्शन बुसा रखे हैं एक साथ दो इंजेक्शन। अब जाओगे? हैं? पापा मारी है हंटर, वो तो पापा भाई बहुत सीधे हैं, पापा कुछ कहते नहीं। मम्मी अब देखो पिसा हुआ नमक डब्बे में भरने लग गई है, ये वाले डब्बे में ले जाऊंगा क्या? भाई मम्मी लोगों ने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया है ना, जैसे मेरी 4:30 बजे की बस है, मम्मी 3:30 बजे उठ के खाना वगैरह बनाने लग जाती है, और वो खाना मम्मी इतना ज्यादा रख देती है और कभी कभी तो खराब हो जाता है। पिछली बार दूध भेजा था मम्मी ने, मट्ठा भेजा था, सब चीज खराब हो गया। इनसे मैंने 1000 बार बोला कि यार मम्मी मत भेजा करो, आटा चावल ले जा रहा हूँ काफी नहीं है, लेकिन नहीं मानते। और आज भी मैं बोल रहा हूँ मम्मी से कि मम्मी सुबह उठ के मत बनाना कुछ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ऑलरेडी खराब हो रही है। अब देखते हैं ये मानते या नहीं मानते, और अगर तुमने खाना बनाया मैं किसी और को खिला दूंगा। है? वो भी तो अच्छा ही हुआ। ठीक है बना दो, मैं तो खिला दूंगा किसी और को। गाइस डिनर लग चुका है और आज लास्ट दिन है, कल से देहरादून में बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। डिनर करते हैं और उसके बाद फिर हमें जाना पड़ेगा गाय को दवाई खिलाने। गाय पता नहीं कहाँ जा रही है, उसे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसकी पूंछ में इन्फेक्शन हो रखा है, मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी। गाइस डिनर हो चुका है और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं गाय को दवाई खिलाने के लिए, देखते हैं वो है कहाँ पर, क्योंकि वो अंदर नहीं है। अगर आसपास होगी दवाई खिला देंगे, फिर नहीं मिलेगी तो क्या कर सकते हैं। क्या चल, मैं मम्मी जा रहे हैं अभी गाय को दवाई खिलाने के लिए। गाय और दिन गोट में रहती थी लेकिन आज वो है नहीं, गेट खुला था वो चले गई, तो अभी ढूंढते हैं आसपास होगी तो दवाई खिला देंगे क्योंकि उसके पूंछ में इन्फेक्शन हो रहा है। गाइस गाय मिल चुकी है, अब इसे दवाई खिलाते हैं। गाइस गाय को दवाई खिला के अब आ चुके हैं और अब मम्मी ने भी दवाई खानी है, सब दवाई वाले हो रहे हैं, क्या करें। मम्मी को तो भाई इतनी हालत ख़राब हो गई थी, अभी चल फिर रही है फिलहाल। मम्मी बिल्कुल सेक हो गई थी, मतलब बिस्तर में पड़ गई थी एकदम से, खाना भी नहीं बनाया था। फिर दीदी ने रोटी बनाई, फिर इंजेक्शन लगाए मम्मी को, दो पेन किलर के कुछ दवाइयाँ दी, तो तब जाके अभी वो चल फिर रही है, वरना आज तो मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अब मैंने बोल दिया कि खेत में काम मत करना, फिलहाल सुनती तो है नहीं, लेकिन ये व्लॉग को मामा लोग देखेंगे, कोई भी देख रहा है घर वाले, भाई मम्मी से काम मत कराना। हेलो जी गाइज, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड सुबह के बज रहे हैं 4। आज मेरा सामान थोड़ा ज्यादा है, एक तो छोटा बैग है, एक ये बड़ी वाली अटेजी है, एक ये लैपटॉप वाला बैग है, बाकी गाइज एक बड़ा कट्टा है जिसमें आटा और चावल दोनों रखा हुआ है। और मम्मी उठ गई थी सुबह 3 बजे, मम्मी से मना किया था मैंने, सुबह 3 बजे उठ के मम्मी ने पूरी बना दी है, यहाँ पर बन रहे हैं छोले। मेरा टाइम हो गया लेकिन पापा भी उठ गए सुबह सुबह छोड़ने के लिए मुझे, और हमारे साथ साथ आज कैंडी भी जल्दी उठ गया क्योंकि सब लोग उठे थे, लाइट खुली थी, तो वो कहाँ सोता, कहाँ गया वो, अभी तक तो यहीं बैठा था। ये आ गया देखो, कैंडी दद्दा जा रहा है। कैंडी बाय कैंडी। दद्दा कुछ दिनों बाद आएगा, ठीक है, दद्दा कुछ दिनों बाद आएगा। बाय बाय सुंदर लड़की, बाय बाय। तो गाइस पहुंच चुके हैं देहरादून और बज रहा है दिन के 12। जैसी हमारे दादी हमारे लिए चाय वगैरह लेके आ चुकी है, दिवाली की मिठाई, धन्यवाद दादी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दादी के हाथ की एक एक कप चाय पीते हैं। भाई चाय पूरी भर रखी दादी ने, दादी चाय तो ज्यादा बना दी आपने, ज्यादा बना दी चाय। तो गाइस चाय पानी हो चुकी है, दादी चाय बहुत ज्यादा टेस्टी हो रही थी, कहां अभी जो आपने पिलाई। अच्छा आपने कप भर के दी, मैंने सोचा नहीं पी पाऊंगा लेकिन इतनी टेस्टी हो रही थी, पूरी पी ली तुमने भी। कौन सा मसाला हम भी लेके आएंगे, दादी दिखा रही है चाय का मसाला कौन सा है। ये वाला मसाला है भाई अमृतसरी खास, ठीक है। और ये देखो गाइस 2 हफ्ते से बाइक यहीं पे खड़ी है और स्कूटी वहाँ पर, दोनों में कवर डाल रखा है, तो इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं, थोड़ी देर स्टार्ट रखेंगे क्योंकि बहुत टाइम बाद स्टार्ट कर रहा हूँ इसे आज, तो कोल्ड स्टार्ट करते हैं गाइस। भाई हो चुकी है गाड़ी कोल्ड स्टार्ट, मम्मी ने खाना ऑलरेडी भेज रखा है, पूरी और छोले। बाकी मिस कर रहा हूँ यार घर वालों को, क्योंकि बहुत दिन घर पर रुका था और याद आ रही है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद चले जाएंगे। और अब थोड़ा मन लगा कि पढ़ाई भी करनी है और बर्थडे भी आ रहा है, पता नहीं सोनू इस बार क्या सरप्राइज़ प्लान कर रही है, मुझे पता है कुछ ना कुछ स्पेशल तो करेगी जैसे हर साल करती है, बट इस बार देखते हैं क्या करने वाली है। उसका प्यार ही बहुत है मिलने वैसे तो, लेकिन फिर भी देखेंगे गाइस क्या सरप्राइज़ करती है। मेरे को सरप्राइज़ देना नहीं आता बट उसे अच्छे से आता है।